नमस्कार साथियों, आज कुछ ऐसे केस स्टडीज बताने वाला हूं आप लोगों को जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरा परिवार बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आखिरी तक देखिएगा, आपके परिवार को बचा सकता है और ऐसे डिसीजंस लाइफ टाइम डिसीजंस होते हैं और पूरे परिवार का सशक्तिकरण के लिए आज ये मैं बताने जा रहा हूं। ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपने रियल लाइफ केस स्टडी हमारे एक क्लाइंट का पहले बताता हूं, उसके बाद दूसरे केस स्टडीज पे आएंगे। हमारे क्लाइंट हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ, वो जो भी बिजनेस करते रहे होंगे, इनकम टैक्स का रेड हुआ, उसके बाद उनके 125 करोड़ की संपत्ति ए टू जेड बिना एक पैसा भी छोड़े इनकम टैक्स ने सीज कर लिया। अब वो व्यक्ति जेल में चला गया, परिवार में उनके दो बच्चे भी थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनकी बेटी का भविष्य और बेटे का भविष्य खतरे में आ गया। व्यक्ति तो जेल चले गए लेकिन जो उनकी पत्नी है उनके पास भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी लेकर कौन चले गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर दिया उन्होंने और परिवार हो गया बर्बाद। यहां पे किसी की मृत्यु नहीं हुई लेकिन परिवार बर्बाद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कंडीशन में हम बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए एक्ट है, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, MWPA। एक बार फिर से, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको स्त्री धन बोलते हैं। स्त्री धन हमारे भारत में एक विशेष शब्द है, विशेष दर्जा है, जो काफी पुराने समय से लोग बोलते जरूर चले आ रहे हैं लेकिन उसको कभी ध्यान देते नहीं है, उसके इंपॉर्टेंस पे कभी ध्यान नहीं देते। मैं आपको बताऊं स्त्री धन क्या होता है ये जानना जरूरी है, उसके बाद वो एक्ट के बारे में देखेंगे। स्त्री धन किसी भी मैरिड वुमन का पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। वो जो कहते हैं ना कि मैं अपने मायके से ये पैसा लेकर आई हूं, सपोज करते हैं मायके से उन्होंने 10 लाख रुपए का सामान और ज्वेलरी लाया, शादी में उनको बर्तन और ज्वेलरी सब मिलाकर उनको और 5 लाख रुपए का सामान मिला, ससुराल से शादी के समय उनको 3 लाख रुपए और मिले, और सारी चीजें मिलाकर जिसको हम लोग पैसे में काउंट कर सकते हैं 2 लाख और है, तो ये 20 लाख रुपए मिले, तो ये पूरा का पूरा पैसा ज्वेलरी, ये पूरा प्रॉपर्टी है उस मैरिड वुमन का, उस स्त्री का, इसीलिए उसको स्त्री धन कहा गया है। तो ये जो स्त्री धन है ये प्रोटेक्टेड फंड है जिसको कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लोग इस टॉपिक को ही भूल जाते हैं, और जो अथॉरिटी रेड मारती है या परेशान करती है या कोर्ट कोई डिसीजन देती है वो सारे प्रॉपर्टी को कुड़की कर देती है बिना ये सोचे कि वहां पर कोई स्त्री धन हो सकता है। मैं आपको बताऊं कोर्ट का काम नहीं है सोचना, हमको डॉक्यूमेंट बनाकर रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्त्री धन के अंतर्गत आती है। आप अपने वाइफ का या फिर जो लेडी है जिनकी शादी हुई है, मैं बता दूं आप अपना बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट को इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करिए, आप अपना बैलेंस शीट बनाएंगे वो आपकी प्रॉपर्टी है ये उसमें दिखेगा, तब जाकर कहीं हम कोर्ट में इनकम टैक्स में या कहीं भी उसको प्रूफ कर पाएंगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। आपका कमाया गया पैसा अलग है लेकिन आपका पाया गया पैसा आपका स्त्री धन है। उस पाए गए पैसे से अगर आप इन्वेस्ट करके 20 लाख रुपए जो मैंने बोला था उसको इन्वेस्ट करके आप 30 लाख 40 लाख 50 लाख बना देते हो, तो ये जो 20 लाख के ऊपर का जो पैसा है ना इस पे खाली कोई बोल सकता है कि भैया ये जो पैसे हैं इस पे इनकम टैक्स कहां है, अगर आपने दिया है तो उस पे कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये 20 लाख आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिर्फ वो 30 लाख जो आपने कमाए होंगे उसकी बात होगी। तो स्त्री धन में पूरा वो 20 लाख आ जाएगा, वो 30 लाख भी आ जाएगा अगर आपने अपने टैक्सेस पटा के, मींस मैं पत्नी की बात कर रहा हूं, मैरिड वुमन की बात कर रहा हूं, टैक्स उन्होंने पटाए, पटाने के बाद में 50 लाख हो गया, तो ये 50 लाख किसी भी परिस्थिति में उनके पति के कारणों से या अपने परिवार के किसी और व्यक्ति के कारण से उस पैसे को छीन नहीं सकती। लेकिन ये क्वांटिफाई कैसे होगा, एक्ट से भी पहले मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट सब बहुत बड़ा एक्ट है, उसके अंतर्गत बैलेंस शीट बनाइए, इनकम टैक्स में फाइल करिए। लेडीज इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए कंसल्टेंट थोड़ा सा पैसा लेगा, आपसे पूरी जानकारी लेगा, सारे चीजों को जॉट डाउन करेगा और उसके बाद फाइल करेगा, जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। अब मैं आता हूं एक्ट पर, MWPA, मैरिज वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, ये बोलता है कि जो मैरिड वुमन है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई और अटैच नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, सीज नहीं कर सकता। अब
ये तो हो गई वो प्रॉपर्टी जो हमको गिफ्ट में मिला है, शादी में मिला है, जिसको हमने अलग से नोट कर लिया, जिसको रिटर्न में फाइल कर दिया। इसके अलावा और सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? MWPA एक्ट के तहत आप इंश्योरेंस करा सकते हो, इन्वेस्टमेंट करा सकते हो और उसमें पैसा डाल सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी में MWPA एक्ट के इंश्योरेंसेस होते हैं, उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वो पैसे जब भी रिलीज होंगे उस पे पूरा अधिकार पत्नी का होगा। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पति का प्रॉब्लम आ जाए, लोन का प्रॉब्लम आ जाए, लेनदारों का प्रॉब्लम आ जाए, ये कोई भी उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकता लीगली। इसीलिए MWPA एक्ट में इंश्योरेंस कराने की जरूरत है। ज्यादा बड़े बड़े लोग ये गलती कर जाते हैं। पहले मैं कुछ सेक्शन बताऊंगा, फिर केस स्टडी पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। MWPA एक्ट का सेक्शन 5 ये बोलता है कि कोई भी मैरिड वुमन अपने नाम से खुद खाता खोल सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकती है और उसको मेंटेन कर सकती है, और जब भी उसके पैसे मिलेंगे तो वो पैसे पूरे के पूरे उस मैरिड वुमन के होंगे। सेक्शन 6 MWPA एक्ट का ये कहता है कि कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ के नाम पे MWPA एक्ट के तहत जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का अकाउंट खोल सकते हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पे पैसा डाल सकते हैं, और वो भी जब मैच्योर होगा, भले वो अपने पति के इनकम या उनकी कमाई से वाले पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्ट में अपनी पत्नी के लिए उसने डाले हैं तो वो पूरा पैसे का 100% अधिकार उनकी पत्नी का ही होगा। मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं, जागृत हो जाओ, वाइफ के नाम पे जरूर खोलिए MWPA एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जरूर कराइए। MWPA एक्ट के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम खाली डेथ पे नहीं होती, बिजनेस पे भी होती है, प्रोफेशन पे भी होती है। अगर कोई एक्सपायर हो गया तब तो वो प्रॉब्लम है ही है कि लेनदार आकर छीन न ले। दूसरा, अगर बिजनेस बर्बाद हो जाए तो उस समय भी बिजनेस का लोन चुकाने के लिए सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग दे भी दें तब भी अगर पत्नी का, मैरिड वुमेन का प्रॉपर्टी बचता है तो उससे भी आगे सर्वाइवल के चांसेस बनते हैं। और अगर प्रोफेशन है जैसे, और प्रोफेशन है जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, या कोई भी प्रोफेशन वाला रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, किसी कारण से जाने अनजाने में गलती के कारण उनका डिग्री छिन गया और उनको सारे देश में बैन कर दिया गया, कहीं कोई काम नहीं कर सकते, तो उस केस में भी नया बिजनेस चालू करने के लिए या नया रोजगार करने के लिए कम से कम उनकी मैरिड वुमेन, उनकी पत्नी या फिर उनकी माता जी जो भी हैं जिनके नाम पे इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर्टी होगी, उसको यूटिलाइज करके कम से कम अपने आगे के जीवन का रास्ता निकाल सकेंगे। मैं आपको अब केस स्टडीज बताने जा रहा हूं, इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। सबसे पहले 2011 में कोलकाता में ढाकुरिया करके एक जगह थी जहां पे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ब्लास्टिंग हुआ, उसमें 95 लोग लगभग एक्सपायर हो गए। अब वहां की जो मैनेजमेंट थी उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट में जितने भी लोग थे सबको जेल में डाल दिया गया, उनकी उनको पूरी पेनल्टी लगी, उनकी पूरे प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया गया, क्योंकि जिनके परिवारजन मरे थे, एक्सपायर हुए थे, उन्होंने बोला कि हमारे कमाओ सारे लोग चले गए, अब हमको पूरा मुआवजा इनसे ही चाहिए। तो जो जेल में चले गए वो तो चले गए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी वो भी चले गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। उस समय MWPA एक्ट के अंतर्गत अगर कुछ सोचा होता, कुछ डॉक्यूमेंट पहले से बनाया होता, कुछ इंश्योरेंस किया होता तो बच जाते। दूसरा इंपॉर्टेंट केस स्टडी 2G स्पेक्ट्रम का है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो उस कांड में फंसे वो सारे लोग अंदर हुए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी खोज खोज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा कब्जा कर लिया गया, जो कि कब्जा करना ही था। लेकिन स्त्री धन वाला चीज में इतने बड़े बड़े लोगों ने भी कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और डूब गए पूरे प्रॉपर्टी, उनकी फैमिली का भी हालत बहुत खराब होगा, मैं 100% श्योर बता रहा हूं। मैं आपको अगला केस बता रहा हूं, नीरव मोदी, जो कि बहुत फेमस केस हो गया हमारे देश का। 523 करोड़ की उनकी संपत्ति पूरी अटैच हो गई, कोई स्त्री धन का नामो निशान नहीं, जितनी प्रॉपर्टी थी सब अटैच कर दो। तो यहां पर भी स्त्री धन नहीं आया, किसी ने सोचा ही नहीं, कमाते चले गए, लेकिन स्त्री धन में कभी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कभी कुछ सेविंग नहीं किया। मैं पॉजिटिव और एक्चुअल सेविंग की बात कर रहा हूं, पीठ पीछे काला धन का बात मैं नहीं कर। अब हमारे देश के सबसे बड़े स्कैमर भाई विजय माल्या जी की बात करें, 6,630 करोड़ की उनकी पूरी संपत्ति पे कब्जा हो गया, कोई और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, सीधा सीधा सीज हो गया पूरा प्रॉपर्टी, और वहां पर भी किसी स्त्री के बारे में नहीं सोचा गया, स्त्री धन ये भाई ने भी नहीं बनाया। आप सोच सकते कितना बड़ा ब्लंडर हर कोई करता है, हम खुद भी ऐसा करते हैं,
लेकिन मैं बताऊं मैं नहीं करता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है, सारे लोगों के बैलेंस शीट्स बनाइए, जहां पे पॉसिबल है स्त्रीधन को अलग से मेंशन करिए कि ये पूरी प्रॉपर्टी स्त्रीधन है। और मैं बताऊं जितने भी हस्बैंड हैं पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को भी सलाह दे, वो जरूर डॉक्यूमेंट बनाए, वसीयत जैसा भी लिख सकते हैं, अलग से स्टैम्प पेपर में लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की है, उसको नोटराइज करिए और उसका वैल्यू और सारा डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसको जैसा जैसा जहां पर दिखा सकते हैं उस जगह पे दिखाइए, उसको एज ए प्रूफ अपनी वाइफ के पास में जमा करके रखिए कि जब भी लगेगा ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये अधिकार उनको पता भी रहना चाहिए, अगर अधिकार नहीं बताओगे तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको अपने परिवार को बचाने के लिए उनका हेल्प लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कोई भी लेडी जो मैरिड है वो कैसे कैसे आपका हेल्प करती है। सबसे पहला आपके जीवन में पूरा सहयोग देती है, दूसरा वो घर का काम भी करती है, तीसरा अगर उनका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह बना देते हो ना तो आपका लोन का एलिजिबिलिटी बढ़ जाता है। जहां पे 10 लाख का लोन मिलना चाहिए वहां 15 लाख का लोन मिल जाएगा अगर दो जन का इनकम टैक्स रिटर्न होता है तो। उसके बाद ये जो MWPA एक्ट में अगर मान लो आपने कुछ उनकी प्रॉपर्टी को अलग से आइडेंटिफाई करके रखा तो वो प्रॉपर्टी भी आपके ही काम आएगी। इसके अलावा अगर आपने MWPA एक्ट के तहत कोई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डाल के रखा तो उस पर कोई भी कभी भी कब्जा कर ही नहीं सकता। तो कम से कम एक पोर्शन इस तरीके से जरूर करके रखिएगा। और MWPA एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी बहुत सारे कमेंट और क्वेश्चन होंगे, सजेशंस चाहिए होंगे आपको, कमेंट में अगर आप लिखते हो तो मैं सारे चीजों का जवाब दूंगा। फोन कॉल में मजा नहीं आता, उतने लोगों को अटेंड करना असुविधाजनक हो जाता है, इसीलिए आप कमेंट करिए, मैं जवाब जरूर देने वाला हूं। आपका दीपंकर समद्दार आप लोगों से गुजारिश करता है कि अपने और अपने परिवार के लिए ये काम जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।